रोहन जंगल में फंस गया था और तेज बारिश होने लगी थी, बिजली कड़कने लगी थी। रोहन घबरा गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश रुकी तो उसने पेड़ से एक एप्पल तोड़ा और खा लिया। पेड़ इससे बहुत गुस्सा हो गया और रोहन को भी एक पेड़ बना दिया। रोहन को बचाने के लिए वहां मेहुल पहुंच जाता है, लेकिन समस्या ये थी कि जंगल में तो बहुत सारे पेड़ है, तो मेहुल को कैसे समझेगा कि रोहन वाला पेड़ कौन सा है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तेज बारिश हुई थी तो ध्यान से देखिए, सारे पेड़ गीले हैं, उनके पत्तों पे भी पानी है, लेकिन रोहन बारिश के बाद पेड़ बना था तो उसके पत्तों में पानी नहीं है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि रोहन वाला पेड़ कौन सा है और उसे बचा लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना को कॉल आता है, आज तुम्हारे घर में चोरी करने वाला हूँ, मुझे रोक सके तो रोक लो। सना तुरंत पुलिस को फोन लगा के बुला लेती है। पुलिस वहां आती है और डोरबेल बजाती है। सना विंडो से पुलिस को देखती है और समझ जाती है कि पुलिस नकली है। कैसे? सना को कैसे समझता है कि पुलिस नकली है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पुलिस के शू को देखिए, स्पोर्ट्स शू है। अब पुलिस कभी ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शू नहीं पहनती है। ऊपर से पुलिस की कार के ऊपर सायरन ही नहीं है। अब पुलिस की कार में तो हमेशा सायरन होता है, मतलब ये नकली कार है। सना इन सब से समझ जाती है और डोर नहीं खोलती। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन कैफे में खा रहा था। खाना होते से रोहन वहां से उठता है और चला जाता है, लेकिन अपना मोबाइल फोन वहीं भूल जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो देखता है कि फोन वहां से गायब है। कैफे में तीन क्लीनर्स थे। रोहन तीनों से पूछता है, क्या आपने मेरा डिवाइस देखा है? मैं यहां भूल गया था। तो पहला क्लीनर कहता है, सर मैं तो इस टेबल के पास आया ही नहीं था, तो मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा कहता है, सर मुझसे पहले यहाँ तीसरा क्लीनर आया था, जब मैं यहाँ आया तो मोबाइल नहीं था। तीसरा क्लीनर कहता है, सर मैं यहाँ आया तो था, पहले आया या बाद आया सर ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने नहीं चुराया है। रोहन तुरंत समझ जाता है कि किसने उसका मोबाइल चुराया है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोबाइल दूसरे क्लीनर ने छुपाया है। उसे कैसे पता कि डिवाइस मतलब मोबाइल था? रोहन ने तो डिवाइस कहा था। अब डिवाइस तो कुछ भी हो सकता है, टैबलेट, आईपैड। उसी से रोहन समझ जाता है और उस क्लीनर को पकड़ता है और उसके पास से मोबाइल भी मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और तीन कैदियों को सजा सुना देता है। पहले को 10 साल की, दूसरे को 20 साल की और तीसरे को लाइफ टाइम के लिए जेल में। राजा की बेटी ये देख बहुत दुखी हो जाती है और उनकी सजा आधी करने के लिए कहती है। तो राजा मान जाता है, लेकिन अब समस्या ये है कि 10 वाले की सजा तो 5 साल हो जाएगी, 20 वाले की सजा 10 साल हो जाएगी, लेकिन उम्र कैद वाले की सजा कितनी होगी? क्योंकि वो कब मरेगा किसी को नहीं पता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इसकी सजा आधी हो जाए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रिंसेस ने उससे कहा कि आज से तुम एक दिन जेल के अंदर रहोगे और एक दिन जेल से बाहर रहोगे, ऐसा तुम अब जिंदगी भर के लिए करोगे। तो हो गई ना उसकी सजा आदि। प्रिंसेस की समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। साहिल पीछे के रास्ते से घर पे घुसने की कोशिश कर रहा था। बारिश तेज थी तो स्टेयर्स काफी गीली हो गई थी। स्टेयर्स में टोटल 10 स्टेप्स है। साहिल एक सेकेंड में 3 स्टेप चढ़ता है और 2 स्टेप फिसल के नीचे आ जाता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचे और मुझे बताए, टोटल कितने सेकेंड लगेंगे साहिल को स्टेप से निकलकर रूम की बालकनी में आने के लिए? सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताए।
अगर आपका आंसर 8 है तो वो रॉन्ग है, एक बार पॉज करके वापस सोचिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। साहिल 3 स्टेप्स चढ़ता है और 2 स्टेप्स फिसलता है, मतलब 1 सेकंड में बस एक ही स्टेप चढ़ पाता है। अब 7 सेकंड में साहिल 7 स्टेप तक तो पहुंच जाएगा, 8 सेकंड में वो 10 स्टेप पे पैर रखेगा, लेकिन अभी भी बालकनी वाला स्टेप उसका बचा है, मतलब यहाँ 10 नहीं 11 स्टेप हो जाएंगे, तो वो वापस फिसल कर 8 में आ जाएगा, इसलिए 8 वाला आंसर रॉन्ग है। 9 सेकंड में जब वो 8 स्टेप से 3 स्टेप चढ़ेगा तब वो बालकनी में पहुंच जाएगा, इसलिए आंसर 9 है। सही था ना ये रिडल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में एक लेडी बच्चों को किडनैप कर रही थी। वो एक साइको पेशेंट थी जो बच्चों को किडनैप कर रही थी। डिटेक्टिव मेहुल उसको पकड़ने में लग जाता है। उसे 3 लोगों पर शक जाता है जो साइकोलॉजी के मरीज थे। रेशमा वो कहती है, सर मुझे साइकोलॉजी है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसके अलावा मैं नॉर्मल हूँ। सना कहती है, सर मुझे भी साइकोलॉजी है लेकिन गंदगी से, मुझे हर चीज एकदम क्लीन चाहिए। कोमल कहती है, सर मुझे इंसेक्ट से साइकोलॉजी है, मैं इंसेक्ट्स को देख भी नहीं सकती। तीनों के बयान सुनने के बाद मेहुल उनके घर जाता है। यह है रेशमा का घर। यह है सना का घर। और यह है कोमल का घर। तीनों के घर देख मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोमल ने कहा था वो इंसेक्ट्स को देख भी नहीं सकती, लेकिन उसके घर पे इंसेक्ट्स के 3-4 पिक्चर लगे हुए हैं, मतलब वो झूठ बोल रही है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक रूम में फंस जाता है। रूम से बाहर निकलने के लिए मेहुल को 5 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे जॉम्बी है, दूसरे के पीछे मम्मी है, तीसरे के पीछे वैम्पायर है, चौथे के पीछे वॉल्फ है और 5वें के पीछे एक गोस्ट है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता ले सकता है मेहुल रूम से बाहर निकलने के लिए। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल गोस्ट वाला रास्ता चुनेगा। गोस्ट कैरी होते हैं, डराते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, तो ये रास्ता सेफ रहेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहाँ रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है, तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। लेकिन सना रोहन को बिल्कुल भाव नहीं देती और कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। सना डर जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है, गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्यों? रोहन ने तो सना की जान बचाई, फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे, क्योंकि एक गुंडा चिल्लाता है, रोहन इतना भी मत मार मुझे। गुंडे को रोहन का नाम कैसे पता चला, वहीं सना को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सी माँ गरीब है, ए या बी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसका आंसर देखते हैं।
दोनों माँ अपने बच्चों के बारे में सोच रही है। ये गरीब लग रही है लेकिन फिर भी अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर रही है, उसके लिए पिज्जा लाई है। और दूसरी माँ अपने बच्चे को हेल्दी फूड खिला रही है उसके हेल्थ के लिए, बट देखने से ये गरीब लगती है। आपको क्या लगता है? और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।